friends and welcome back to the English club. Today we are going to have a brief introduction of a famous English poet whose name is Walter de la Mare. So, दोस्तों आज मैं आपके साथ एक English के famous poet को discuss करने वाला हूँ. जैसा कि मैंने नाम बताया आप देख रहे होंगे Walter de la Mare को. नाम पहले हमें याद रखना है वाल्टर डे ला मेयर एक इंग्लिश पोएट है. और बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों 25 अप्रैल 1873 को लंदन, आपको पता है इंग्लैंड में, यहीं पर इनका जन्म हुआ है. और यही वो जगह है 22 जून 1956 को यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड में ही इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा. तो ये है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करूं फ्रेंड्स, यह एक इंग्लिश पोएट है, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर है, कविता के साथ साथ कहानियां भी लिखते हैं और एक जाने माने फेमस नॉवलिस्ट अर्थात उपन्यासकार हैं. दोस्तों इनको हम मॉडर्न पोएट के रूप में रखते हैं और मॉडर्न पोएट्स को ही हम लोग कहते हैं 20th सेंचुरी पोएट्स. दोस्तों यदि हम 20th सेंचुरी पोएट्स की बात करेंगे तो इधर आप गौर से देखिएगा, हमारे पास कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिनको हम 20th सेंचुरी में रखते हैं, जिसमें पहला है रॉबर्ट ब्रूक. भला कौन भूल सकता है इनकी पोएम द सोल्जर को. सोल्जर वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इन्होंने खुद वार फील्ड में कविता लिखा है द सोल्जर, जो काफी पॉपुलर है. और टीएस इलियट, थॉमस अस्टन इलियट दोस्तों, जो मॉडर्न पोएट्री के एक बैकबोन माने जाते हैं और इनका जो वर्क है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो टीएस इलियट भी हमारे मॉडर्न इंग्लिश पोएट में ही आते हैं. इनकी फेमस रचना की बात करें दोस्तों तो इनका द वेस्टलैंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्क है. द वेस्टलैंड काफी पॉपुलर है, 4 भाग में इन्होंने ये कविता को लिखा था टीएस इलियट. अगर हम नाम करें तो डीएच लॉरेंस, इनकी फेमस वर्क है स्नेक. आगे है सिल्विया क्लार्क, ठीक है दोस्तों. डब्ल्यू एच एडन को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है. डायरन थॉमस, डब्ल्यू बीट्स, विलियम बटलर बीट्स. अगला है हमारे रॉबर्ट ब्रोस, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग इनकी फेमस रचना है. मेंडिंग वाल भी इनकी फेमस रचना है. बिक्चेस नाम की इनकी इंपॉर्टेंट वर्क है. एजरा पाउंड हमारे इंडिया के जाने माने फेमस इंग्लिश पोएट है. दोस्तों हम वाल्टर डे ला मेयर को जिस वर्क के लिए जानते हैं तो ये बेसिकली इनकी जो एक वर्क है जो कि कॉलेक्शन ऑफ पोएम है जिनका नाम है लिसनर्स, और ये बच्चों के लिए लिखा करते हैं. यह वर्क इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर है. एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इनको हम लोग हाईली एक्लेम्ड सिलेक्शंस ऑफ द सेक्टर साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज. आप हॉरर फिल्म देखते होंगे, डरावना, डरवाला, और इन साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज के लिए ये काफी पॉपुलर है, फेमस है. और ऐसे हॉरर साइकोलॉजिकल इनके 2 नॉवेल्स दोस्तों हम लोगों को याद रखना है. एक का नाम है हमारा सीटेंस एंड दूसरा का नाम है दोस्तों हमारा ऑल हैलोज. ये इनके 2 साइकोलॉजिकल हमारे क्या है नॉवेल है जो कि हॉरर से रिलेटेड है, डरावनी है. बाकी हम इंपॉर्टेंट पोएम्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको याद रखना है द हॉर्समैन, अप एंड डाउन, मिसेज अर्थ, टायर टीम, आई कैंट बियर, समवन, द लिटिल बर्ड, द स्केयरक्रो, अरेबिया एंड एनिपिटा. दोस्तों ये जो हमारे नाम है आपको याद कर लेना है, किसी भी एग्जाम्स में खासकर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई भी वर्क पूछ लेता है. जैसे एनिपिटा आपकी हम बात करें तो बिहार बोर्ड के ही क्लास 12 में एक पोएम हमें पढ़ना है. अरेबिया स्केयरक्रो तो दोस्तों हम लोगों का खुद क्लास 10 का एक सिलेबस का पार्ट है. और मार्था जो हमारा चैप्टर है जो कि एक पोएम है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है. हॉर्समैन को भी हम इंपॉर्टेंट कर सकते हैं. अब इनका कुछ वर्क्स हैं, खासकर इन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं. जैसा कि मैंने बताया कि वाल्टर डे ला मेयर एक नॉवलिस्ट है, तो इनके कौन कौन से नॉवेल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए हैं फ्रेंड्स, तो सबसे हमारा पॉपुलर है वो है पिकॉक पाई, उसके बाद मेमोयर्स ऑफ मिलगेट, बेस्ट स्टोरीज ऑफ वाल्टर डे ला मेयर, सिल्वर, सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड एंड स्नो. ये हमारे इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. तो हम आपको लेटर सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं, किस तरह के हैं. तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए.